अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम इन एशियन कुज़ीन में डीजी में। जी नाज़रीन, आज मैं बहुत ही मज़ेदार और चटपटी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, इमली की चटनी। ये देखें कितनी मज़ेदार और झटपट और आसान रेसिपी के साथ। इसको थिक करने के लिए मैंने इसमें बिल्कुल आर्टिफिशियल चीज़ यूज़ नहीं की है, प्योर ये इमली की है और चीनी से बनी है, ना कोई मैदा इस्तेमाल किया है ना ही कॉर्नफ्लावर। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी ये रेसिपी, उम्मीद करती हूँ को आपको पसंद आएगी। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पर इमली की चटनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पाव इमली ली है। इसके अंदर मैं तकरीबन एक कप पानी शामिल कर रही हूँ और इसको आधे घंटे के लिए मैं भिगो कर रख दूँगी ताकि अच्छे से नरम हो जाए और हम इसका गुदा निकाल सकें। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि मैंने इमली का गुदा निकाल लिया अच्छी तरह से। ये देखें, ये चीज़ें मैं चाहिए थी, ये मैं साइड पे कर दूंगी। स्टोव ऑन कर दें। इसके अंदर जाएगा आधा चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, एक चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इसको अच्छे से फुला लेंगे। पाँच से दस मिनट के लिए मैं इसको पकाऊंगी। जी नाज़रीन, 5 से 10 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर यहाँ पर चीनी डाल रही हूँ। यहाँ पर तकरीबन मैंने 2 कप चीनी ली है। पहले मैं इतनी डालूँगी, थोड़ी सी बचा लूँगी, फिर मैं चख कर फिर मज़ीद चीनी शामिल करूँगी इसमें। चीनी डालने के बाद भी तकरीबन हम इसको 5 से 10 मिनट पकाएंगे। जी नाज़रीन, यहाँ पर मैं बाकी चीनी भी इसमें शामिल कर रही हूँ जो मैंने बचा ली थी। इसको बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं पकाएंगे क्योंकि चीनी डालने के बाद इसमें बहुत जल्दी से उबाल आ जाता है। इसको स्लो आंच पे ही ये पकेगा 10 से 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे, और थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाएगा। इसके अंदर मैं इसको गाढ़ा करने के लिए कॉर्नफ्लावर या मैदा वगैरह शामिल नहीं करूँगी क्योंकि मुझे उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगता। आप चाहें तो इसको मज़ीद ठीक करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको उसके बगैर ही ठीक करके बताऊंगी। जी नाज़रीन, 5 से 10 मिनट हो गए हैं। ये देखें, काफ़ी गाढ़ी हो गई है हमारी इमली की चटनी। यहाँ पर मैं इसके अंदर आधा चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर डालूंगी। दो खाने के चम्मच सिरका, बस 1 से 2 मिनट बस मैं इसको मज़ीद पकाऊंगी, ज़्यादा नहीं पकाएंगे, इसको ठंडा करूंगी। जी नाज़रीन, सिरका और काली मिर्च शामिल करने के बाद मैंने जस्ट इसको 1 से 2 मिनट पकाया। अब मैं स्टोव बंद कर रही हूँ और इसको अच्छे से ठंडा करूँगी। नाज़रीन, चटनी हमारी अच्छे से ठंडी हो गई है और काफ़ी गाढ़ी भी हो गई है। ये देखिए, मैं आपको क्लोज़अप दिखाती हूँ। ये देखें, बहुत ही मज़ेदार। एक पाव इमली में तकरीबन 2 कप चीनी के लिए, यानी कि एक पाव इमली और कम से कम आधा किलो चीनी चाहिए हमें। तो ये ज़बरदस्त, कोई इसमें मैंने मैदा या कॉर्नफ्लावर नहीं यूज़ किया इसको ठीक करने के लिए। बहुत ही मज़ेदार, ज़रूर बनाइएगा। ये देखें नाज़रीन, कितनी थिक
जी नाज़रीन, इमली की चटनी रेडी है, बहुत ही मज़ेदार मीठी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।